हेलो गाइस, तो आज मैं टॉक्सिक लवर का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। लास्ट बार में हमने देखा था कि लास्ट बार तो अभी आप लोग देख ही चुके होंगे, तो फिर मैं क्यों दोबारा बोल रही हूँ, एक्चुअली दोबारा बोल बोल के मुझे रोना आता है। चलो आगे रीड करती हूँ। तो विंग जो इबू के पास जाता है और विंग जाता है, विंग देखता है कि इबू को इतनी बहरहमी से पापा ने बांध रखा है और इबो के मुंह माउथ से ब्लड निकल रहा है, इबो की नोज से ब्लड निकल रहा है और इबो को काफ़ी बुरी तरीके से मारा है, तो विंग हर्ट हो जाता है। विंग इबो को देखता है और इबो के पास जाता है। विंग जो चल नहीं पा रहा था, डॉक्टर याओ विंग की हेल्प करता है, पर विंग डॉक्टर याओ को छोड़ देता है और खुद ही जाने की कोशिश करता है। जाता है विंग इबो के पास और यही बोलता है, इबो तुम इबो थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मैं इतने दिनों से जिसके साथ रह रहा हूँ वो मेरा इबो है, तुमने क्यों छुपाया? इबो जो विंग को देख रहा था और इबो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इबो का ये इबो को ऐसा लग रहा था विंग नाटक कर रहा है। इबो जो विंग को गुस्से से देखता है और विंग जो आता है इबो के पास, इबो कोई रिएक्ट नहीं करता है, इबो सिर्फ विंग को देख रहा था गुस्से से। विंग इबो का फेस पकड़ता है और इबो को बोलता है, इबो इबो मुझे माफ़ कर दो, इबो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, ये सब झूठ है। विंग हमें बताता है कि असल में ऑफिस रूम में हुआ क्या था। तो अब गाइस हमें पता चलेगा कि आखिर कौन सी वीडियो की बात हो रही है। तो अब हमें फ्लैशबैक बता रहे हैं, तो अब हमें उसी दिन का सीन दिखा रहे हैं जब लेंजन ने विंग को बोला था कि एप्लीकेशन लिख के दो, तो विंग जो नहीं मान रहा था और विंग जो ऑफिस रूम से जा रहा था, तो लेंजन पीछे से आवाज़ करता है, विंग रुक जाओ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ एप्लीकेशन लिख के दो, नहीं तो फिर मैं तुम्हारे पापा को बोल दूँगा। तो लेंजन ऐसा बोल देता है, विंग रुक जाता है, विंग शॉक में हो जाता है और फिर विंग जो लेंजन की बात इग्नोर करके चलने मतलब उस ऑफिस रूम से बाहर निकल आता है। तो विंग जो बहुत ज़्यादा परेशान था, विंग बोलता है कि ये लेंजन सर तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, क्या होगा अगर इसने पापा को बोल दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, पापा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और विंग जो बहुत परेशान होता है, तो विंग हमेशा अपने दोस्त जॉन से हेल्प लेता है। तो विंग फ़ोन करता है जॉन को और जॉन को प्रॉब्लम के बारे में बता देता है कि प्रिंसिपल लेंजन को चीटिंग का पता चल गया। तो जॉन जो विंग को एक आइडिया दे देता है कि विंग तुम लेंजन को ब्लैकमेल करो। तो विंग बोलता है ब्लैकमेल किस चीज़ के बारे में, ऐसा तो कुछ होना भी चाहिए ना कि जिससे मैं उसे ब्लैकमेल करूँ, कैसे उसे ब्लैकमेल करूँ। जॉन बोलता है अपनी और प्रिंसिपल लेंजन की वीडियो बनाओ। तो विंग बोलता है कौन सी वीडियो, कैसी वीडियो? तो जॉन जो डेवर स्माइल करता है बोलता है, विंग क्या तुम इडियट हो? तो विंग बोलता है, जॉन मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो? जॉन बोलता है, विंग वेट करो, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मेरे हेल्प के बगैर ये वीडियो बनेगी भी नहीं। तो विंग बोलता है, ओके जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। और फिर हमारे सीन करते हैं, हमें बताते हैं कि जॉन आ गया है और जॉन जो विंग को बोलता है कि विंग तुम्हें अपनी और लेंजन की थोड़ी सी वीडियो बनानी है जिसमें बस ऐसा लगे कि लेंजन तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर रहा है, तुम समझ रहे हो कि लेंजन तुम्हें फिजिकली टच कर रहा है। तो विंग शॉक में हो जाता है, विंग बोलता है, जॉन ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं प्रिंसिपल लेंजन के साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ, जो भी है मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी। तो जॉन देखता है विंग को, तो जॉन बोलता है, विंग क्या हो गया, तुम्हें अपने आप को बचाना है या नहीं, मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए बोल रहा हूँ, मैं कौन सा उसको वायरल करने को बोल रहा हूँ, सिर्फ वीडियो बनाओ अपने पास रखो और जब भी प्रिंसिपल लेंजन तुम्हें तंग करे तो इस वीडियो की धमकी दो बस। तो विंग जो बिल्कुल नहीं मानता है, विंग बोलता है, नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो जॉन बोलता है, ठीक है फिर बैठे रहो इसी तरह, मैं जाता हूँ। तो विंग जो परेशान हो जाता है, फिर विंग बोलता है, जॉन रुको। तो जॉन रुक जाता है, तो जॉन फिर पीछे मुड़ता है और बोलता है, हाँ बोलो। तो विंग बोलता है, जॉन क्या कोई और रास्ता नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो जॉन बोलता है, विंग मुझे तो ये सही लग रहा है, तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? विंग बोलता है, पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा है ये करने का। तो जॉन बोलता है, विंग सिर्फ एक छोटी सी वीडियो चाहिए, मुझे पता है इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी तुम्हारी, पर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जॉन बोलता है, विंग तुम्हें इस प्रॉब्लम से अपने आप को बचाना है या नहीं, जो तुमने चीटिंग की है।
तो विंग बोलता है हाँ मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, मतलब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ ताकि आगे लैंडसैन मुझे कभी फ़ोन ना करे कि तुमने चीटिंग की है या ये वो या वो। वैसे भी मुझे डॉक्टर तो बनना नहीं है, मुझे आगे जाके पापा का बिजनेस संभालना है। तो जॉन बोलता है तो फिर तभी तो कह रहा हूँ बस छोटी सी वीडियो बना लो, तो फिर लैंडसैन कभी भी तुम्हें फ़ोन तक नहीं करेगा। तो विंग जो ना चाहता है, ना चाहते हुए भी विंग जो हाँ कर लेता है। तो अब हमें अगला सीन दिखाते हैं कि प्रिंसिपल लैंडसैन अब बैठे हुए हैं पास चेक कर रहे हैं, अचानक से गेट में डक्टर होती। तो प्रिंसिपल लैंडसैन को ऐसा लगता है कोई सर्वेंट है चाय लाने वाला, तो प्रिंसिपल बोलते हैं आ जाओ। तो एक पर्सन अंदर आता है और वो जैसे ही आता है तो गेट को लॉक कर देता है। तो जब वो गेट को लॉक कर देता है तो लैंडसैन को लॉक करने की आवाज़ आती है गेट को। तो लैंडसैन अपना फेस उठाता है कि कौन है जो अंदर से गेट को लॉक कर रहा है। लैंडसैन अपनी आँखें उठाता है और उस पर्सन को देखता है। तो लैंडसैन देखता है कि विंग है। तो लैंडसैन अपने ग्लासेस हटा देता है और बोलता है विंग तो तुम आ गए, तो क्या सोचा है तुमने। लैंडसैन जो फाइल रख देता है जो वो रीड कर रहा था और अपनी ग्लासेस भी रख देता है। तो विंग आता है, लैंडसैन को देखता है। लैंडसैन बोलता है विंग क्या इरादा है, क्या एप्लीकेशन लिख कर दोगे। तो विंग एक देव स्मार करता है और बोलता है हाँ सर मैं एप्लीकेशन लिख के दूंगा। तो लैंडसैन देखता है कि विंग मान गया, तो लैंडसैन खड़ा हो जाता है और आता है विंग के पास, विंग के सामने खड़ा हो जाता है और विंग के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है विंग मेरी बात सुनो, मुझे पता है तुम एक रिच फैमिली से हो और मुझे ये भी पता है कि तुम डॉक्टर नहीं बनना चाहते हो, आई एम राइट। तो विंग सर हिलाता है और विंग जो सर हिलाते हुए विंडो की तरफ देख लेता है, अपनी नज़रें थोड़ी सी उठाकर विंडो की तरफ देख लेता है। विंडो के पास जो जॉन खड़ा था मोबाइल लिए हुए और वो वीडियो बना रहा था। तो विंग देखता है तो विंग की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और विंग जो अपनी कॉलर को ढीली करता है। तो लैंडसैन बोलता है विंग आगे जाके तुम्हें अपने फादर के बिजनेस ही संभालना है, तो फिर तुम क्यों इस मार्क से पीछे पड़े हुए हो, जिनको इसकी ज़रूरत है उनको दे दो ओके। लैंडसैन ऐसा बोलता है। तो लैंडसैन जो फिर वापस टर्न मोड़ जाता है तो विंग जो देखता है कि लैंडसैन जा रहा है तो विंग बोलता है सर रुकिए। तो लैंडसैन रुक जाता है और लैंडसैन फिर पीछे मुड़ता है और बोलता है हाँ विंग। लैंडसैन और विंग बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं और सामने ही विंडो में मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो विंग जो देख रहा है कि हम बिल्कुल कैमरे के सामने हैं, तो विंग अपनी शर्ट की बटन खोलता है। तो लैंडसैन देखता है विंग को, तो लैंडसैन बोलता है विंग क्या हुआ। तो विंग बोलता है सर आपको गर्मी नहीं लग रही है, कितनी गर्मी है ना। विंग एक और दूसरी शर्ट की बटन भी खोल देता है। तो लैंडसैन बोलता है विंग गर्मी तो नहीं है। तो विंग दूसरी शर्ट तीसरी शर्ट की बटन भी खोल देता है और बोलता है नो सर गर्मी है। तो लैंडसैन देखता है कि विंग क्या कर रहा है। लैंडसैन बोलता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो, अपनी शर्ट की बटनों को बंद करो। तो विंग देखता है कि लैंडसैन गुस्से में हो गया। तो विंग जो लैंडसैन की आंखों में देख रहा था और विंग जो चौथी बटन भी खोल देता है और लैंडसैन विंग की शर्ट को देखता है और फिर विंग की आंखों को देखता है और विंग की आंखों में जो शैतानियत नज़र आ जाती है। विंग फिर एक डेविल स्माइल करता है। तो लैंडसैन विंग को देखता है, लैंडसैन शॉक में हो जाता है। लैंडसैन बोलता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो, और विंग जो अपनी पांचवी शर्ट की पांचवी बटन भी खोल देता है। तो लैंडसैन देख रहा होता है, लैंडसैन बोलता है विंग ये क्या हो रहा है। तो विंग बोलता है सर सॉरी मैं मजबूर हूँ, आपको पता है ना आप वैसे तो मानने वाले नहीं हो। तो लैंडसैन विंग को इतनी शॉकिंग नज़र से देखता है। लैंडसैन बोलता है विंग क्या हो गया है तुम्हें। तो विंग जो डेविल स्माइल करता है और करीब आ रहा होता है, अपना फेस करीब करता है लैंडसैन के पास, करीब कर लैंडसैन के करीब करता है और बोलता है सर मुझे आप बहुत हैंडसम लगते हो। तो लैंडसैन जो इतने गुस्से में हो जाता है, लैंडसैन बोलता है विंग ये तुम क्या बोल रहे हो। तो विंग लैंडसैन को बोलता है मैं आज आपको फील करना चाहता हूँ। तो लैंडसैन जो इतने शॉक में हो जाता है, लैंडसैन बोलता है विंग तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो विंग जो एक और कदम बढ़ाता है लैंडसैन के करीब जाता है, लैंडसैन एक और कदम बढ़ाता है पीछे हट जाता है। लैंडसैन बोलता है विंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। तो विंग बोलता है सर अब वैसे तो मानने वाले नहीं हो तो मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। हाँ तो लैंडसैन विंग को देखता है और लैंडसैन समझ जाता है कि विंग क्या करना चाहता है। तो विंग
जैसे ही अपनी शर्ट उतारता है और वो आधी बॉडी से जैसे ही उतार के मतलब विंग जैसे अपनी बॉडी से शर्ट उतारता है तो विंग की आधी बॉडी से शर्ट हट जाती है। तो लेंजन देखता है तो लेंजन अचानक से विंग के करीब आता है और विंग के उस शर्ट को वापस से विंग को पहनाता है और टाइट करके पकड़ लेता है और बोलता है विंग विंग ये तुम क्या कर रहे हो, विंग तुम पागल हो गए हो क्या। लेंजन बहुत ज़्यादा डर जाता है। लेंजन बोलता है विंग नहीं दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी एप्लीकेशन, जाओ तुम यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूँगा, प्लीज़ विंग यहाँ से जाओ और कभी ज़िंदगी में अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। मुझे ऐसा लगता था कि तुम आगे जाके सुधर जाओगे, तुम्हारे बाप के लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ दिया है, पर मैं गलत था, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम एक बुरे लड़के हो, लड़के थे और हमेशा बुरे ही रहोगे। विंग गेट आउट विंग, दफा हो जाओ यहाँ से। विंग देखता है लेंजन को और लेंजन की आंखों को देखता है कि लेंजन इतना हर्ट हो गया तो विंग बहुत अपसेट हो जाता है। विंग लेंजन की आंखों को देखता है, लेंजन की आंखें नम थी, लेंजन की आंखों में आंसू था, लेंजन की आंखों में आंसू थे और लेंजन जो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर लेंजन जो विंग की जैकेट को जो उसने विंग की शर्ट को जो उसने इतनी टाइट करके पकड़ा था, लेंजन उस शर्ट को झटके से छोड़ देता है और विंग को जैसे एक धक्का सा दे देता है और बोलता है गेट आउट विंग, कभी ज़िंदगी में मेरे सामने मत आना, तुमसे नफरत करता हूँ, मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहो। और लेंजन जो ऐसा बोल के विंग से फेस पलट देता है, विंग की तरफ बेक कर देता है और विंग जो उसी तरह लेंजन को देख रहा था और विंग फिर उस मोबाइल की तरफ देख रहा था जो विंडो के पास थी, जो लगी थी वीडियो बना रही थी, मतलब जॉन जो लगा था वीडियो बना रहा था, विंग ऐसे जॉन ने से मोबाइल को ही सामने किया था तो विंग उस मोबाइल को देख रहा था और विंग लेंजन को देख रहा था और विंग अपनी शर्ट को देखता है और विंग जो बहुत बहुत ज़्यादा अपसेट होता है अपनी इस हरकत पर विंग उस टाइम कुछ नहीं कर सकता है, विंग अपने बटन बंद कर देता है और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो लेंजन जो टेबल पर मुक्का मार देता है वो गुस्से से और बोलता है चले जाओ यहाँ से विंग, मेरी आंखों के सामने से हटो विंग, मेरी आंखों के सामने से हट जाओ विंग, मैं नहीं देखना चाहता हूँ तुम्हें। लेंजन बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया था, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि उसने विंग को इस टाइप का बिल्कुल नहीं समझा था और विंग जो ऐसा था नहीं, पर विंग को ऐसा बनना पड़ा सिर्फ जॉन की वजह से क्योंकि जॉन ने उसको गलत एडवाइस दे दी थी और जॉन ने उसको गलत एडवाइस दी, जॉन की इस गलत एडवाइस की वजह से विंग ने एक फैमिली को बर्बाद कर दिया। तो अब हम फैन सेक्शन पर आते हैं और विंग जो लेंजन को देखता है अपनी हरकत को देखता है, तो विंग जो लेंजन को देखता है और अपनी हरकत देखता है कि मैंने बहुत बुरा किया और विंग भी कैमरे को देखता है, मोबाइल को देखता है, तो विंग जो जल्दी से शर्ट की बटन बंद करता है बाहर आता है, विंग जल्दी से बाहर आता है और वो आता है तो जॉन जो लगा था मोबाइल में वो असल में विंग के ही मोबाइल में मूवी बना रहा था क्योंकि वीडियो तो विंग को चाहिए ब्लैकमेल करने के लिए, तो जल्दी से विंग आता है और जॉन के हाथों से मोबाइल को खींच लेता है और बोलता है लाओ दो मुझे मोबाइल, तो जॉन देख रहा था, जॉन बोलता है क्या हुआ, तो विंग बोलता है मुझे अभी इस वीडियो की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, तो जॉन बोलता है विंग मत करो डिलीट ये काम आएगी, तो विंग बोलता है नहीं मुझे मेरी ये काम नहीं आएगी और जॉन बोलता है विंग हुआ क्या है, तो विंग जो गुस्सा था तो विंग बोलता है जॉन प्रिंसिपल लेंजन मान गया है अब वो पापा को कुछ नहीं बोलेंगे, तो जॉन स्मार करता है, जॉन बोलता है देखा मैंने कहा था ना ये आइडिया काम करेगा, तो विंग बोलता है जॉन तुमने हमेशा मुझे एडवाइस दी है और तुम्हारे हर एडवाइस में मैंने हाँ किया है और कोई भी प्लान कामयाब नहीं हुआ है, तुम्हारा हर एक प्लान फेल ही हुआ है, बट तुम्हारी इस प्लान ने काम कर दिया, बट इस प्लान में काम तो कर दिया बट मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई बट मेरा दिल अभी भी डर रहा है ये क्यों। तो इसी में हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। इबो विंग को देखता है, इबो की आंखें रेड थी, इबो की आंखों में आंसू था, इबो की आंखों में आंसू थे और विंग ने इबो का फेस पकड़ा था और विंग यही बोलता है इबो मैंने वो वीडियो नहीं बनाई थी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था, तुम्हारे पापा ने कुछ भी नहीं किया था और मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी थी अपने मोबाइल से, मुझे कुछ नहीं है पता कि वो कैसे वायरल हो गई और वो
किस तरह से ऐसी वीडियो बन गई, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो इवो जोहिन को बता है विंग, अगर तुमने नहीं की तो वो किसने की फिर विंग? किसने वो वीडियो बनाई? किसने इस टाइप की वीडियो बनाई? ऐसा कैसे हो गया विंग? मैं जानता हूँ मेरे पापा कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर ऐसी वीडियो कैसे बन गई विंग? आखिर तुमने कैसे बनाई वो वीडियो? विंग बता है इवो, मैंने तुम्हें जो बताया वो सच है। अर्जनी, मैं सिर्फ शर्ट उतार रहा था, तुम्हारे पापा ने वो वापस से मुझे पहनाई, उसने मुझे टच नहीं किया और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और मुझे तो पता ही नहीं है उस वीडियो के बारे में कि कैसी वीडियो है, कैसे वायरल हुई और कैसे ऐसी वीडियो बन गई जिससे इतनी बड़ी बदनामी हो गई। तो इवो जो विंग को देखता है और विंग जो यही बोलता है, इवो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने सच में ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई है, वीडियो उसी टाइम मैंने डिलीट कर दी थी, ऐसी कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई है इवो, सच में ऐसी कोई वीडियो भी मैंने नहीं बनाई। तो विंग के पापा पीछे से विंग को बोलते हैं, विंग तुम किसको सफाइयाँ दे रहे हो? विंग जो गलती तुमने की ही नहीं है, ये पर्सन, ये इवो ने तुम्हें 3 साल इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा दी, तुम्हें इतने साल टॉर्चर करता रहा और तुम अब इसको सफाइयाँ दे रहे हो? हट जाओ विंग, हटो इसे, इसको मैं उसी तरह तड़पाऊँगा जिससे इसने तुम्हें तड़पाया है। तो विंग सर हिलाता है, विंग बोलता है, नो पापा, आप इसको कुछ भी नहीं करेंगे, मेरी वजह से इवो ने बहुत कुछ खोया है, मेरी वजह से इसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई है पापा। तो विंग के फादर बोलते हैं, तुम्हारी वजह से? तुमने तो कुछ किया ही नहीं है, तो फिर तुम्हारी वजह से कैसे? तो विंग बोलता है, जो भी हो पर गलती तो मेरी ही थी, मैं अगर उस टाइम प्रिंसिपल की बात सुन लेता और एप्लीकेशन लिख के दे देता तो ऐसा कुछ नहीं होता, बट मैंने उसकी बात नहीं सुनी और मैंने वो वीडियो बनाई और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वो वीडियो कैसे इस टाइप की बन गई कि जिससे लंसन की बदनामी हो गई? उस वीडियो के बारे में से मुझे और विंग को याद आता है कि विंग अचानक से शॉक में हो जाता है, विंग को अचानक से याद आ जाता है कि उस वीडियो के बारे में तो सिर्फ मुझे और जॉन को पता था। तो विंग को अचानक से जॉन याद आता है और विंग जो शॉक में हो जाता है। तो विंग जो इतनी शॉक में था, तो फादर जो विंग को फादर आते हैं, विंग को विंग का हाथ इवो के फेस से हटाते हैं और बोलते हैं, विंग ये हाथ छोड़, विंग छोड़ो इसी लड़के को, इसने तुम्हें इतने साल टॉर्चर किया, मैं इसको इतना तड़पाऊँगा कि ये मौत मांगेगा पर मैं इसको मौत भी नहीं दूंगा, इसने जो तुम्हें पल पल तड़पाया है तो अब ये तुम्हारे सामने तड़पेगा विंग, बस तुम देखो। तो विंग सर हिलाता है, विंग बोलता है, नो पापा, आप इसको कुछ नहीं कहोगे। तो पापा देखते हैं विंग को, तो पापा बोलते हैं, विंग हट जाओ मैं कह रहा हूँ। तो विंग पापा को बोलते हैं, नो इवो को आप कुछ नहीं कहोगे। पापा गुस्से में विंग के शोल्डर को टाइट करके पकड़ लेते हैं, अपने सामने विंग को झटक देते हैं और बोलते हैं, विंग तुम्हें याद नहीं है कि मैंने इस इवो को किस तरह से तुम्हारी लाइफ से पहले दूर लेके गया था? इस बार भी ऐसा ही करूँगा। तो विंग को वो रात याद आती है जिस रात इवो आया था विंग से मिलने, बट पापा ने अपने बॉडीगार्ड्स को कहकर इवो को पिटवा दिया था और उसको दूर कर दिया था। तो विंग को वो दिन याद आता है, वो रात याद आती है। विंग उस रात को बहुत हर्ट हो गया था, तो विंग जो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है क्योंकि विंग अब इवो को अपने से दूर नहीं बर्दाश्त कर सकता है, विंग को अब इवो चाहिए कुछ भी करके। तो विंग जो गुस्से में हो जाता है, अब विंग बोलता है, मैं अब आपको इवो को हाथ लगाने भी नहीं दूंगा, मैं इवो के साथ रहने जा रहा हूँ, मेरी और इवो की शादी हो चुकी है, शायद आप भूल गए हो, मेरी और इवो के 2 बेबी है, तो अब आप कैसे मुझे इवो से दूर कर सकते हो या इवो को मुझसे दूर कर सकते हो? मैं अब आपको इवो को हाथ लगाने नहीं दूंगा। विंग ऐसा बोलकर आता है इवो के पास।